तो मोटू कैसा लग रहा है आपको, आपकी मशीन सुधर गई है तो? मोटू बोले फाइनली गाइस मेरा इंटरव्यू हो चुका है महिंद्रा फाइनेंस में कल भोपाल में, और नहीं पहले सॉरी शुरू से बोलते हैं। सो गाइस मेरा इंटरव्यू जो था वो कल था, ये नेक्स्ट डे है और अभी बज रहा है दोपहर के बारह और मेरा कल जो इंटरव्यू, कल मैं गया था भोपाल, जैसा कि आपको मालूम, कल मैं भोपाल गया था। तो भोपाल में गया था कहाँ, अपने भोपाल गया था मैं अपने ट्रेन से, कौन सी ट्रेन थी, लखनऊ एक्सप्रेस से गया था, जिसके जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण मुझे जगह नहीं मिली। खड़े होते गया था मैं, आधे घंटे तक तो मैं खड़ा रहा, लेकिन फिर एक बंदा था वो देखते देखते बोलता भाई इधर जगह खाली तो आप इधर आकर बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जनरल डिब्बे में गया था, जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ होती है, और स्लीपर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्लीपर कहीं ना कहीं मुझे लेना चूतिया ही सी लगती है, क्योंकि 150 या 175 रुपये लगते हैं भोपाल तक के स्लीपर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं यार ये मतलब ज़्यादा हो जाता है यार, एक घंटे का सफ़र है और 150 या 300 या फिर 175 रुपये देना वर्थ इट नहीं होता है। तो मैंने क्या करा, 60 रुपये की अपनी टिकट कराया भोपाल के लिए जनरल डिब्बे से। तो मैं पहुंचा वहां पर भोपाल, कितने बजे पहुंचा था वहां पर, मैं पहुंचा था 2 बजे भोपाल पहुंचा था गाइस, 2 बजे मैं भोपाल पहुंचा। वहां से फिर मैं गया जिंसी चौराहा, मुझे जाना था जिंसी चौराहा जो एक भोपाल का एक एरिया है जिंसी, वहां पर क्या है पूरे शोरूम मिलेंगे आपको, सारे गाड़ियों के शोरूम मिलेंगे। मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए, महिंद्रा की वीडियो बनाई मैंने, मतलब मेरा इंटरव्यू था वो महिंद्रा फाइनेंस में था, तो महिंद्रा शोरूम के पीछे महिंद्रा फाइनेंस है उसका, महिंद्रा शोरूम ही है, महिंद्रा के शोरूम के पीछे महिंद्रा फाइनेंस है, तो मेरा वहीं पर इंटरव्यू था। तो मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई है वहाँ की, तो वीडियोज़ कुछ इस प्रकार से आप देखो, XUV700 की मैंने वीडियो बनाई, टॉप एंड मॉडल था ये। सब एवरी वन, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड चलते हैं गाइस, मुझे जाना है अभी, मतलब एक खाता खुलवाना है एक बैंक में, इंडियन बैंक में खाता खुलवाना, थोड़ा सा काम है मुझे, बताऊंगा मुझे क्या काम है और मुझे क्यों खाता खुलवाना पड़ रहा है इंडियन बैंक में। सो चलते हैं, पहले तो पता करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें खाता खोलने में। फोटो क्योंकि मेरे पास है नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो है नहीं मेरे पास, उसके जानी पड़ेगी, पहले पता करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है उसमें, और आपको बताऊंगा मैं क्यों मैं खाता खुलवा रहा हूं इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में मेरा खाता खुल जाएगा और मेरा जो काम हो जाएगा ना, तो गाइस बहुत अच्छा रहेगा मेरे यूट्यूब के लिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब के लिए मेरे को थोड़ा सा काम कराना है, संघर्ष चल रहा है अभी। अगर मेरा खाता जल्दी खुल जाता तो अच्छी बात है। सो हमारी गाड़ी अभी तक खड़ी है, हमने कल से चलाई नहीं है। ये मुझे फॉर्म मिला है इंडियन बैंक से, ये फिल करना है, टोटल पूरा फिल करना है, ये पूरा फिल करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे ज़्यादा जूम हो गया, ये फॉर्म मिला है मुझे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिल करना है, और इधर पे भी दिया है, इधर पे फ़ोटो लगेगी, 3 फोटो लगेंगी इसमें, टोटल लिखे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। बस इंडियन बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी, और 3 फोटो। लगभग सारी बैंकों में यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मेरे हिसाब से सारी बैंकों में यही डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे, और एक फॉर्म रहता 2 या 3 पेज का, उसको फिल करना पड़ता है, दैट्स इट, और आपका अकाउंट हो जाएगा ओपन। और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ दुकान पर, हमारी जो मशीन है मम्मी की, जो फोटोकॉपी की मशीन है, मेरी मम्मी की दुकान है, मेरी मम्मी की दुकान है, मैंने कहीं दुकान बताया नहीं मम्मी की, तो आज मैं आपको मम्मी की दुकान बताऊंगा धीरे धीरे। अब मैं थोड़ा मतलब धीरे धीरे रेगुलरली हो रहा हूँ, अपने व्लॉग्स पे ध्यान दे रहा हूँ, कंसिस्टेंट हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, भले 10 डेज का व्लॉग्स का जो चैलेंज है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बढ़ते जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज मशीन रखना है, मशीन को टोटल मतलब यानी अभी ख़राब हो गई थी बीच में, हमारी फोटोकॉपी जो मशीन है जेरॉक्स मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो उसको टोटल सुधारने में उसको पूरे 1.5 महीने लग गए, 1.5 महीने में फाइनली सुधर गई है, और आज उसको उठाकर अपने दुकान पर रखना है। तो गाइस चलते हैं, मैं दुकान पर, अब यहाँ से मशीन उठानी है, फिर देन हमको जाना है।
ये हमारी मशीन हो गई है फाइनली मशीन लग दी। पूरा पसीना पसीने हो गए हम लोग, तो देखो पूरा पसीना पसीना, बहुत तेज गर्मी आज रखा गई है। क्यों सेरा 25-60, बस रहने दो, मत परेशान हो भैया, अब रहने दो। अच्छा मम्मी, अब तुम्हें कैसे लग रहा है तुम्हारी मशीन आ गई? कैसे लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा भैया, मेरी मशीन कल से पैसे आने लगेंगे। हैं? मशीन चालू हो गई, मेरी दुकान बंद हो गई। अब पैसा ही पैसा होगा। तो हमारी जो मशीन है वो कैसे खराब हुई थी, हमारी मशीन हुई थी चूहे के कारण खराब थी। चूहे ने उसके अंदर के सारे वायर काट दिए थे, इस चक्कर हमारी मशीन खराब हो गई थी। तो उसको सुधरने में पूरे 2 महीने लग गए और फाइनली आज मशीन सुधर गई है और दुकान पर रखा भी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत टाइम से मम्मी घर पर थी, तब मम्मी अब डेली दुकान पर आएंगी, तो बहुत अच्छी बात है मशीन सुधर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी मैं जा रहा हूँ चूहे मार दवाई लेने, क्योंकि चूहे के कारण ही मशीन खराब हुई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ चूहे की दवाई लेने के लिए, चूहे मार दवाई। ये मात्र कितने ग्राम? 2 ग्राम है।